हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका नी वैश्वीकरण व आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में आर्टिकल लिखा गया है। और आपने नी वैश्वीकरण कम ही सुना होगा। वैश्वीकरण तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नी वैश्वीकरण क्या है इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे इस आर्टिकल में। नई वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है इसे भी देख लेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर COVID-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई देश छूटा है जिसकी मार कोरोना वायरस की मार ना खाया हो। अमेरिका जैसा विकसित देश आप देख रहे हैं किस दिन ही बुरी तरह से चौपट हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। और आपकी स्थिति ये ना सोचिए कि आपके नेताओं ने, आप लोगों ने बचा लिया है देश को। अभी नवंबर दिसंबर में आप पीक पर रहेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में बुरी स्थिति आपके देश की रहेगी, ये कई वैज्ञानिक कह चुके हैं। और आपकी भारत सरकार कितना भी कहे लेकिन कह भी रही है, आप देख भी रहे हैं कि उसके भी जो एजेंसी हैं वो भी बता रही हैं, WHO भी यही बोल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो बाबा रामदेव जैसी दवाई पर भरोसा मत करना कि मतलब उन्होंने आकर कहा और आप लोग अंधभक्ति में डूब गए। तो अभी भी बोल रहा हूं कि अपना ख्याल रखिए, 9 लाख पार कर चुका है। कभी हम सुना करते थे कि 100 केस आए हुए हैं, 200 केस आए हुए हैं, अब डेली की सुन रहे हैं कि 28 हजार केस आ रहे हैं, 29 हजार केस आ रहे हैं। और अभी आज ही आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये फैलने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पहुंच गया है तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक घर में बंद रहिए, और जब कुछ जरूरी ही काम है तभी घर से निकलिए, और निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी बना के चलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास क्या है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जान लेंगे। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ क्या क्या हैं। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि, इस पर भी बात करेंगे। उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी और अभियान के समक्ष संभावित चुनौतियां क्या क्या हैं, उस पर भी बात हम लोग करेंगे। अभी आपके जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं लगभग लगभग आपके COVID-19 यानी कि इस महामारी से संबंध में ही लिखे जा रहे हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण मार्च 2020 से ही विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं परिणामी स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र में ही हो रही गिरावट के चलते तनाव में है। महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों ने लोगों के आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, माल एवं सेवाओं के परिवहन पर पाबंदियां लगाने हेतु संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप कई उद्योगों और संगठनों या तो बंद हो गए हैं या फिर न्यूनतम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि कई, मतलब हमें ये मालूम है कि हमें दूसरे की समस्याओं से हमें सीख लेना चाहिए। यही आपने देखा है कि हमारे चाणक्य रहे हैं, कौटिल्य साहब चाणक्य, आपने देखा है कि उन्होंने कहा था कि आप दूसरे की गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उस गलतियों को करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उससे सीख कुछ नहीं ली, क्योंकि आपने देखा है जब चाइना से अन्य देशों में फैल रहा था कोरोना वायरस, अगर हम तब संभल गए होते तो आज ये नौबत देखने नहीं आती हमें, समझ रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि आज हमें जो पूरी तरह से आवागमन बंद करना पड़ा है उसी समय कर देते, हमारी कम से कम अंदर का जो अर्थव्यवस्था थी वो तो चलती रहती, समझ रहे हैं आप लोग। तो लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया है, उस समय हम लोग और कामों में लगे हुए थे, और आज वही हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। अभी आगे आगे क्या होता है इसका किसी को, हम लोगों को पता भी नहीं है कैसे भुगतते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर रेटिंग एजेंसी जो भी है, विश्व बैंक है फिर या मूडीज है या जो भी है रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने सबने आपकी अर्थव्यवस्था को घटाकर या तो एक से कोई कई रेटिंग एजेंसी 1.5% बता रही है, या फिर कई बहुत से बहुत 2% 2.5% तक बता रही है। एक समय आप लोग सुना करते थे कि 7.6 विकास दर है हमारी, 7.5 7.4, समझ रहे हैं आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। तो स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था तो पहले आपकी वैसे भी कोरोना से पहले भी खराब स्थिति में हो रही थी, गिर रही थी, लेकिन जितनी कमी बची हुई थी वो आपके कोरोना वायरस ने पूरी कर ली है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी। तो वही 2021-2021 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी।
जो घटकर मात्र 2.8 यानी कि 2.8% रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जब वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ गया है। सरकार स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। इस महामारी के बाद विश्व के विभिन्न देशों में आपूर्ति के लिए स्थानीय क्षमता में वृद्धि और प्रवासियों पर शक्ति जैसे प्रयासों के साथ नई वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन व संरक्षणवाद की विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। अब बात करते हैं नई वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच निर्भरता और एकीकरण में कमी की प्रक्रिया है, यानी कि हम देख रहे हैं कि आयात निर्यात पूरी तरह से रोक दिया गया है कई देशों से, तो इसी से की बात करूँ। यह देशों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश में गिरावट का प्रतीक है, यानी कि कम करने का प्रतीक है। यह देश ऐसे देशों की प्रवृत्ति को उजागर करता है जो ऐसी आर्थिक और व्यापार नीतियों को अपनाना चाहता है जो सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को पोषित करते हैं। ये नीतियां अक्सर टैरिफ या मात्रात्मक बाधाओं का रूप लेती हैं, जो देश में अन्य देशों से आने वाले लोगों, उत्पादों और सेवाओं के मुक्त आवागमन को बाधित करती हैं। नई वैश्वीकरण का विचार मुख्य उद्देश्य आयात को महंगा करके स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप समझिए कि दूसरे देश से कोई भी आयात हो रहा है तो आप जानते हैं कि चाइनीज आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट आता है वो सस्ता होता है, आपके यहाँ जो बनता है वो महंगा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो आयात हो रहा है उस पर टैक्स लगा देंगे, उसे महंगा कर देंगे, और जो हमारा स्थानीय बन रहा है उसे उस हिसाब से रखेंगे जिससे हमें फायदा हो सके और जो आपके उद्योग धंधे हैं वो चल सके। इस महामारी ने नई वैश्वीकरण के विचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल निर्मित कर दिया है। अब बात करते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर COVID-19 का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन विश्व के लिए एक बड़ा उत्पादक बनकर उभर रहा है और इस दौरान कई देशों ने चीन को भारी मात्रा में विदेशी निवेश भी प्राप्त हुआ है। COVID-19 की महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बाद विश्व के कई देशों ने अपने उद्योगों की चीन पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। जापान सरकार ने चीन में सक्रिय जापानी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता देने की का निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की कई कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना शुरू किया है। भारतीय दवा उद्योग अपनी कुल आवश्यकता की लगभग आपका 70% सक्रिय दवा सामग्री चीन से आयात करते हैं। कितना? 70%। आप समझ सकते हैं कि एक बार में आप सोचें कि बायकॉट कर दें या पूरी तरह से बंद कर दें, हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, चीन से ज्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। 70% आप लोग अगर आयात कर रहे हैं तो पूरी तरह से रोक देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो संभव नहीं है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि चाइनीज सामानों का बायकॉट करना संभव नहीं है। ये भावनात्मक रूप से सही हो सकता है, 1-2-4 दिन के लिए आपकी रोष है क्योंकि आपके यहाँ बुरा हुआ है आपके साथ, लेकिन उसके बाद आप खुद समझिए कि पॉसिबल भी नहीं है। परंतु इस महामारी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के सहयोग से देश में API यानी कि सक्रिय दवा सामग्री को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास भी किए हुए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अगर प्रयास की बात करें तो आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है, परंतु अन्य कई क्षेत्रों में भी जहां बेहतर संभावनाएं, भारतीय कंपनियां उत्पादन से हटकर व्यापार में एक सेवा प्रदाता के रूप में अधिक सक्रिय रही हैं। पूर्व में भारत जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बढ़ाने का प्रयास किया गया उनमें हम काफी सफल भी रहे, उदाहरण के लिए स्टील उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबली आदि। लगभग 135 करोड़ की आबादी के साथ भारत के पास निर्यात के अलावा उत्पादों की खपत के लिए एक बड़ा स्थानीय बाजार भी उपलब्ध है। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां आसानी से अगले कुछ वर्षों में देश में स्थानीय आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सके। आप लोगों से पता है एक बात बोलूं? पता है कुछ तो फर्क है हमारे देश के और बाकी देशों के नेताओं में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद होता है, 1949 में आजाद होता है, हम 47 में आजाद हो जाते हैं, फिर भी आप देखिए कि चाइना आपका एक नंबर मतलब पहले नंबर पर GDP के मामले में पहुंचने वाला है और महाशक्ति बनने की चाहत रख रहा है पूरी तरह से, और हमारे भारत की स्थिति देखिए, अभी भी आप देखिए कि आपके हर देश निपट रहे हैं, हर देश के नेता लगे हुए कोरोना
वायरस से लड़ने में। लेकिन हमारे यहाँ की कई राज्य सरकारों में आप देख रहे हैं उठापटक चल रही हुई है। कोरोना मतलब जनता का ख्याल रखने की बजाय अपनी सरकारें बचाना, गिराना, तोड़ना, मरोड़ना, इस तरह का काम चल रहा है। तो इससे बुरा हाल क्या हो सकता है हमारे लिए कि मतलब जनता का ख्याल रखने के लिए तुम्हें चुना है, मुश्किल की घड़ी में आप तुम छोड़कर अपना काम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो। तो ये हाल है आपके यहाँ का, इसीलिए हम लोग भुगत रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रता से अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण या पर संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न और आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है। इसमें आपका फर्नीचर, फुटवेयर एंड कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों की बात करें तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो, गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बने, मांग भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। कहते हैं कि 21वीं सदी चाइना और भारत की मतलब एशिया की सदी मानी जाती है और उसमें खास आप देखते हैं चाइना और भारत की, लेकिन इन दोनों देशों में बन ही नहीं रही है, वरना आप समझ सकते हैं कि जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है आज हम अमेरिका के लिए क्यों अच्छे बने हुए हैं, क्यों दोस्ती कर रहा है हम लोगों से जनसंख्या के लिए, क्योंकि जहां जनसंख्या होती है वहां मतलब मांग ज्यादा रहती है किसी भी सामान की, तो वहां फायदा भी ज्यादा रहता है। तो चीन और भारत के पास एक सबसे पहले नंबर पर आपका चीन जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, दूसरे पर भारत। अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन कभी निकल रहा है। अगर स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की बात करें तो भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ हिस्सों में बड़ी प्रगति हुई है, परंतु अन्य में आज भी हम किसी ना किसी रूप में अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपना स्थान बनाया है, परंतु हार्डवेयर के निर्माण में भारतीय कंपनियां उतनी सफल नहीं रही हैं। अन्य उदाहरण में भारतीय दवा उद्योग, मोबाइल असेंबली आदि, जहां स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना के माध्यम से 2 मुख्य लक्ष्य, औद्योगिक विकास और रोजगार को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। वर्तमान में COVID-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में अधिकांश कंपनियों में ऑटोमेशन, घर से काम करने और अनुबंधित कामगारों को अधिक प्राथमिकता देगी। ऐसे में आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप कुशल सैनिकों की मांग को पूरा करने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास के साथ ही उत्पादन के स्वरूप और कंपनियों उद्योगों की कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव होंगे। ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को पैकेजिंग या फिर उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। अभियान के समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें यानी कि समस्याओं की बात करें तो लागत और गुणवत्ता, वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ऐसे में लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं की
गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक समस्या, हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामले में वृद्धि देखी गई है। COVID-19 की महामारी से औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाजार में मांग कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार को औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। आधारिक संरचना, विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक मुख्य कारण भारतीय औद्योगिक निवेश क्षेत्र, विशेषकर तकनीकी के संबंध में एक मजबूत आधारित ढांचे का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पाद किसी न किसी रूप से में आयात पर निर्भर रहे हैं। वैश्विक मानक, सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ WTO के मानकों के अनुरूप ही जारी की जा सकती है। लास्ट में आप क्या कह सकते हैं, निष्कर्षता, कहा जा सकता है कि COVID-19 के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण के बाद देश में नागरिकों का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है हमें अपने लोगों की, ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत की वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। इस दिशा में कार्य करते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई है, अपितु इनमें दीर्घकालिक सुधारों जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र भी आपके शामिल हैं। तो ये कहानी है आपकी आत्मनिर्भरता भारत, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। इतना ही कहूंगा लास्ट में कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोरोना वायरस से हमारी लंबी लड़ाई चलने वाली है, इतने जल्दी हमारा साथ नहीं छूटने वाला है, तो आपको सेफ्टी रखनी है और इसके साथ चलना है, समझ रहे हैं आप लोग। जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सेफ्टी रखिए अच्छे से, ठीक है।